ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ आईटी पार्क में स्थित डीटी मॉल में गत साय प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा में जो घटनाक्रम हुआ है, वो देश का सबसे बड़ा घटनाक्रम, उसकी सच्चाई इस साबरमती में दिखाई गई है। और ये इतिहास की सबसे बड़ी घटनाक्रम है जो सच्चाई इस साबरमती इस फिल्म के माध्यम से वो उजागर हुई है, उसको दबाया गया है। इस फिल्म में हमारे हाल के इतिहास की ये सबसे शर्मनाक घटना हम इसको कहेंगे। फिल्म के निर्माता ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशील और गरिमा के साथ संभाला है। इसी तरह साबरमती एक्सप्रेस के यात्रियों को जलाए जाने की घटना को कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक रूप दिया है। आखिरकार इस फिल्म के माध्यम से 59 निर्दोष पीड़ितों को अपनी बात कहने का मौका मिला है। यह फिल्म वास्तव में उन 59 निर्दोष पुरुष और महिलाओं बच्चों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है।